Yeah, hi, good morning everyone. Welcome back again. Very good morning. मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाला हूँ आज से मार्केट के रिलेटेड, कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, कल अमेरिकन मार्केट कहाँ पर बंद हुआ, डाउ जोन्स क्या क्लोजिंग दिया, S&P 500, नेस्डेक फ्यूचर क्या क्लोजिंग दिया और अब ये शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हिंट मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी से, इस पर डिस्कस करूंगा। तो गाइज मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि कल भी मैंने एक मार्केट आवर्स में 3:20 पर 3:20 पर जाकर एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, जिसमें क्लियरली बोला था कि आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, आप निफ्टी का 21,800, 850, 900 उसमें क्लियरली मेंशन किया था और वो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था बहुत तेजी से भागकर आपके लिए। तो वो अपलोड हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने पोजीशन बनाई है तो उनका शायद एक अच्छा दिन आज का जाने वाला है। तो ऐसी वीडियो, ऐसा अपडेट किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी से रिलेटेड, निफ्टी की कॉल से रिलेटेड, निफ्टी के पुट से रिलेटेड, अगर पुट लेना है, बैंक निफ्टी का कॉल पुट, कुछ भी XYZ कुछ भी अपडेट होता है, एनी कोई न्यूज जो अनएक्सपेक्टेड आई है मार्केट में और मार्केट में बहुत तेज सेल ऑफ आ रहा है या बहुत तेजी बन रही है, क्या रीजन है, तो ऐसा कोई भी कुछ भी न्यूज मैं अपलोड करता हूं आपके लिए कर यूट्यूब पर। दूसरी बात, दूसरा अपडेट गाइज, मैं अभी तक मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है या कन्विंस कर रहा है किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, तो प्लीज बचिए ऐसे चैनल को, ब्लॉक कीजिए ऐसे लोगों को जो आपको कन्विंस कर रहे हैं, मेरा ऐसा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। तीसरी बात, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे उम्मीद करते हैं। गाइज कल शाम मैंने एक वीडियो अपलोड किया 9 बजे करीब, मार्केट आउटलुक आज के लिए, ठीक है, आज 30 तारीख के लिए, मतलब 30 जनवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड किया। उसमें क्लियरली मेंशन किया था, जब मैं वीडियो वो अपलोड कर रहा था या शूट कर रहा था, उस टाइम डाउ फ्यूचर माइनस में था, डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट माइनस में था, नेस्डेक फ्यूचर 1 पॉइंट माइनस में था और नेस्डेक फ्यूचर प्लस में था 13 पॉइंट। उस टाइम मैंने वीडियो में ये कमेंट ये किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि आज डाउ फ्यूचर अच्छा खासा प्लस में बंद होगा। वो थी मेरी कैलकुलेशन, वो था मेरा एक्सपीरियंस, वो क्यों था, क्यों बोला था मैंने ऐसा, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में, लेकिन आज बिल्कुल वैसा होता हुआ नजर आया। रात डाउ फ्यूचर बंद हुआ है 220 यानी कि 220 पॉइंट प्लस, और जब इंडियन मार्केट चल रहा था, इंडियन मार्केट के टाइम पर डाउ फ्यूचर माइनस में था 45 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद डाउ में जो रैली आई है वो आई है 270 पॉइंट की, 270 पॉइंट, 270 पॉइंट में डाउ में रैली आई है और आउट परफॉर्म किया है इसको नेस्डेक ने। नेस्डेक में आईटी कंपनीज का कुछ अच्छा रिजल्ट आउटकम आया जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, नेस्डेक भी अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है। अभी का जो सीन है 224 प्लस में बंद हुआ है डाउ जोन्स फ्यूचर, डाउ जोन्स इंडेक्स, और ये लाइफ टाइम हाई पर है गाइस, इसका नया लाइफ टाइम हाई बना है। S&P 500 लाइफ टाइम हाई 4927 प्लस में बंद हुआ है 36 पॉइंट, ये भी लाइफ टाइम हाई। थर्ड नेस्डेक, नेस्डेक 15628 172 पॉइंट प्लस। तो ये तीनों इंडाइसेस में रैली देखने को मिली और जो सबसे अच्छी बात है इसमें, ये रैली सारे सेक्टर में बनी है। एसेंट वहां का जो स्मॉल कैप 500 है वो भी अच्छा खासा, स्मॉल कैप 2000 वो भी 1.5% से ज्यादा प्लस में बंद हुआ है 1.64%। तो एक अच्छी रैली देखने को मिली यूएस मार्केट में, और अच्छी बात एक और देखने को मिली जो मैं आपको बताता हूं, जो ऑप्शन बायर के फेवर में जाती है। S&P विक्स बढ़कर आया है 2.66%, इसका मतलब जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बायर के फेवर में जाएंगे, प्रीमियम डीके नहीं होगा एकदम से। तो प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ज्यादा है ना कि प्रीमियम गिरने के चांसेस हैं। अभी का जो एशिया मार्केट में चल रहा है, एशिया मार्केट में निक्के अगेन प्लस 0.37%, 1133, और हांगकांग माइनस में है 255। हम उससे कोई हिंट नहीं लेते हैं मैक्सिमम टाइम, हम निक्के को आजकल फॉलो कर रहे हैं, निक्के प्लस में 36 ईयर हाई पे, उनका हांगकांग वालों का अपना ही कुछ अलग चलता रहता है। दूसरा एक अपडेट देता हूं आपको डॉलर के बारे में, डॉलर चल रहा है 83.12 और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है,
103.23। तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मैंने एक बात की थी कल वीडियो में कि अगर ये पॉजिटिव भी बंद हो जाए तो हमारे लिए वो बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा जो जानना चाहेंगे अभी गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो प्लस में दिखा रहा है। अभी जो करंट गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 21,966, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट प्लस। तो गाइज हमने एक पोजीशन कैरी की हुई है जिसको हम अगर ओपनिंग पे ठीक ठाक हमें मिलता है, ओपनिंग पे गैप अप मिलने के बाद सस्टेन करता है तो हम प्रॉफिट बुक करके उसको एग्जिट कर जाएंगे और वेट करेंगे एक डिप का। अगर डिप मिलेगा तो फिर एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का जिन लोगों ने कॉल बाय की है उनका शानदार होने वाला है। और दूसरा एक आज उम्मीद ये है शायद एक आपको ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूं ना कि मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं। कभी आप कूद करके पुट ले लो, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग बहुत शार्प आएगी और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर वो तेजी बन जाएगी। तो ये अभी इंडियन मार्केट का एक बुल रन स्टार्ट हुआ है। अगर प्री वो बजट तक जैसे मैंने 22,000 का एक टारगेट दिया है यानी कि परसों थर्सडे तक अगर 22,000 एक बार टच कर जाता है तो इस बार के बजट में कुछ अलग होने वाला है। फिर ये वो नहीं रहेगा कि लास्ट टू बजट में निफ्टी पहले 1,000-1,200 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट गिरा और बजट तक वो डाउन ही रहा, बजट तक उसने रिकवरी नहीं दी, उसके बाद बजट आया, बजट के बाद रिकवरी बनी। तो इस बार का बजट डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल बाकी तीन बजट से, जो पिछले तीन बजट निकले हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो पहले पैनिक सेलिंग आनी थी वो सेलिंग भी आ चुकी है और वो सेलिंग एग्जॉस्ट भी हो चुकी है। तो ये देखने को मिलेगा बजट में, एक बार ट्विस्ट आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस बजट में मैं क्या जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा ऑनेस्टली वही मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करने वाला हूं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है, डे वन से मैं बोल चुका हूं। और एक बात और बता दूं मैं, अगर बजट में 1% मुझे लगेगा प्रीमियम बाइंग का नहीं है तो मैं क्लियरली मना भी कर सकता हूं। मैं झूठ बोल के मैं बढ़ाना नहीं चाहता चीजों को, मेरी कैलकुलेशन फिट बैठेगी तो मैं आपको बाइंग के लिए बोलूंगा। अगर मुझे लगेगा प्रीमियम बाइंग का नहीं है तो ऑनेस्टली मैं आपको मना कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ बजट में आपके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी निकाल के लाऊं। और गाइज बिलीव मी, हम लोग अभी तक पिछले 2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 मंथ्स इस चैनल को ऑपरेट करते हुए, अभी तक हमने फेलियर का मुंह नहीं देखा, एक बार भी हमारा स्टॉप लॉस टिकर नहीं हुआ। कुछ पोजीशन में हम एक या दो पोजीशन पहले निकल गए लेकिन टारगेट उनका भी आया है, तो ये बड़ी बात है गाइस। 2.5 मंथ से मैं इस चैनल को ऑपरेट कर रहा हूं, टोटल एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। बिग अचीवमेंट ये है कि 2 से 2.5 महीने में अभी भी एक स्टॉप लॉस का मुंह नहीं देखने को मिला है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेड हुए हैं जहां से बोला वहां से रिवर्स हुआ, तो लकी है हम लोग, ठीक है। ऐसा ही सपोर्ट आपका रहा तो मैं इससे 2 गुना बेटर करने वाला हूं। तो जुड़िए ऐसे चैनल को ऐसे चैनल के साथ जो आपके लिए सोचता है, आपको बिल्कुल सिंपल रखता है स्ट्रेटेजी को। ये चार्ट पे ये चीजें नहीं पता चलती, अब 3:20 पे चार्ट नहीं बताएगा कि आपको 2100 का कॉल लेना है, ठीक है। ये कॉमन सा हो चुका है, एक कॉमन चीज को मार्केट रिवॉर्ड्स नहीं देती है गाइस, जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा है। आज के टाइम में चार्ट कोई भी देख सकता है, आप खुद 5-10 मिनट के अंदर चार्ट को समझ सकते हैं, इतना इजी होता है। ओके तो इंसेंट कैंडल बन गई, हैमर कैंडल बन गई, ये पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न, डिफरेंट थिंग, ठीक है। हमें उस चीज में नहीं जाना है, जब लगेगा चार्ट को फॉलो करना कर रहा है मार्केट तो हम चार्ट पर जाएंगे। कॉमन सोच को मार्केट कभी भी रिवॉर्ड्स नहीं करता है, जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा है। दूसरा इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए बहुत जल्दी, जितनी जल्दी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे उतने सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये था अपडेट, उम्मीद करता हूं आज का दिन एक फिर इंडियन मार्केट के लिए अच्छा दिन होने जा रहा है, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी आपको और उम्मीद करता हूं वो सस्टेन भी करे। तो जैसा भी होगा वो अगर कुछ लगेगा मैं अपडेट करूंगा, और जैसे भी होगा ओपनिंग पे अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएगा, आप पोजीशन बुक करना, अपना एंजॉय करना पूरा दिन, फिर एंटर मत करना, ठीक है। दूसरी बार एंटर मत करना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, घर जाइए एंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, कल फिर दिन निकलेगा, सुबह फिर होगी, मार्केट फिर खुलेगी, व्यू दोबारा बनेंगे। हमें एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, हमें वो चीज नहीं करनी है जो एक कॉमन ट्रेडर करता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू दोस्तों, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे जैसे भी होगा, मार्केट आवर्स में अपडेट बनेगा मार्केट में, या शाम को मिलता हूं जैसे भी होगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।